25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तेरे को पता है? वाइस स्वीट मॉर्निंग आप सभी को दिल से। बिस्तर से उठा नहीं जाता, क्या करे, लेकिन उठना भी पड़ता है और नितिका को कॉलेज छोड़ के भी आना पड़ता है। सुबह सुबह नींद गरा पड़ती है मेरी। क्या बरसात हो रही है भाइयों, यार कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। सुबह के 8 बज रहे हैं सुबह के, और लग रहा है आप लोगों को मौसम देख के कि सुबह के 8 हो रहे हैं। चलो मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, फटाफट आ जाए। अभी अभी मैं निकला हूँ और यहाँ देखो कितनी बुरी हालत हो रही है। चलो जल्दी से जाके मैं बेटे की बारिश आज एक नंबर हो चुकी है गाइस, मैं बता नहीं सकता। देखो पानी भर चुका, मतलब कि मैं यहाँ अम्ब्रेला था वो अंदर रख के आया हूँ कि वो बेचारे गीले ना हो। देखो मैं कितना तगड़ा गीला हो चुका हूँ। नितिका परांठा तो खा के नहीं आई होगी तू? नहीं खाई छोटी। वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी जाने के लिए, मम्मी ने बोला जा तू भी घूम आ, तो मैं भी निकल गई फटाफट रेडी होके। कुछ नहीं दिख रहा, अरे देखो भयंकर ओस हो रही है, ओस हो रही है। अच्छा फोक मत देना गाड़ी की, मैं प्रोफेशनल हूं। ओह बोलने में गजब बेइज्जती है। जाम हो गया, आज भी जा रहा है, कल से नहीं चढ़ रहा है। गाड़ी रोक के मेरे को साफ करना पड़ेगा पहले। मेरे शब्बो कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, कहीं ठुक ठाक ना जाए हम लोग। नितिका बोल रही है एक वाइपर गाड़ी के अंदर भी होना चाहिए जिससे ये साफ हो यार, होना चाहिए बाहर भी ठीक लेके चलनी चाहिए कार वालों, ऐसे मुझे बना देते हैं बाप। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? तो सही है आपकी, बोलो आप कार वालों को कुछ मेल कर। नितिका ने खुद का कार साफ कर दिया, बहुत शानदार हुआ। ऋषभ आप ट्राई कर सकते हो एक बार। मैं आऊं क्या आगे? हां मास्क का सदुपयोग करते हुए ऋषभ शर्मा। उपयोग बोला क्या मैंने? क्या पता यार, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। सदुपयोग क्या होता है? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सदुपयोग मतलब सही वे में यूज। आपको पता था तो मेरे से भी पूछा आपने क्या होता है इसका मतलब। मुझे भी 2 मिनट बाद याद आया, और मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा। पता चलेगा किन किन से मिलती है, क्या क्या बातें करती है, बताएंगी मेरा कि क्या जैसा ऐसा हुआ। बताऊंगी क्यों, बताओगे नहीं? बताना पड़ेगा। जा आप किसका बेटे है? आना कितने बजे इधर को लेने? क्या होता है, साढ़े ग्यारह है। बाय भी करने का कुछ नहीं है, बाय तो कर दू। पापा ने क्या प्रॉपर्टी है, कुछ पापा के नहीं, कोई कपड़ा ही नहीं है। कपड़ा ढूंढने के नीचे। अरे भाई क्या चाह रहे हो आप इस गाड़ी से? तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं, खुली खुली में चलते हैं। तुझे पागल लौंडा, तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है? लो जी महारानी जी को पोहे खाने थे तो महारानी जी पोहे खा रही है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको पोहे खिलाने के लिए। इस मौसम के अंदर गर्मा गर्म पोहे, वो भी मजा आ जाता है। फाइनली नितिका को छोड़ के हम लोग घर आ गए और ये पोहे खा के आ गई, और ये हमने गाड़ी ठिकाने पे लगा दी। इनके पैर में लग रही है तो इनको मैंने फिक्स गेट के सामने उतारा है। थैली पहन रखी है पैर में, ऑलरेडी तक की पैर में। बहु रानी के पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, नाखून देख रही हूँ। गाइस घर पे आ गया मैं, घर पे अब नहा धो के वापस नहा धोऊंगा। इतनी देर के अंदर उसके लाने का टाइम फिर हो जाएगा, फिर आधा घंटा जाओ आधा घंटा आओ, वर्ल्ड कप दूंगा मैं उसको, वर्ल्ड कप मेरे लिए। क्या क्या गुड न्यूज है?
घर पे पोहे बने। गाइस नहा धो के मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, नितिका का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले आपको एक न्यूज देना चाहता हूँ। एक मैसेज आया है मेरे पास अभी, उसके अंदर ये लिखा है कि मुझे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वो कि मेरे को 25 लाख की लॉटरी लगी है, उसका व्हाट्सअप मेरे पास आया है, ये देख सकते हो गाइस। इसमें लिखा है आप हजारों में सबसे भाग्यशाली उपभोक्ता हैं, 25 लाख रुपए की बधाई। तो ये फ्रॉड कॉल है, ये बोल रहे हैं कि इस नंबर पे कॉल करो, वो आपको बताएंगे कैसे कैसा पैसा आपको मिलेगा। तो आप गलती से भी ऐसे कॉल कभी मत करना कि ये मतलब कि झांसा दे के आपके अकाउंट खाली करा लेंगे। इस मैसेज पे आपको किसी को नहीं जाना और कुछ भी नहीं करना, इसको डायरेक्ट आपको ब्लॉक मारना है। यहाँ पे भी पोहे बने, तो फटाफट पोहे खाते हैं, उसके बाद नितिका को लेने चलते हैं। नितिका को लेने में जा रहा हूँ, बहुत दूर है उसका कॉलेज, बहुत दूर है, 30-40 मिनट जाने में लगता है, 30-40 मिनट आने में लगता है, पूरा 1-1.5 घंटा चौपट। 30-40 मिनट में मेरे को जहाँ पहुँचना था वहाँ मेरे को 1 घंटा 10 मिनट तो अभी तक हो चुका है, लेकिन मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ उसके कॉलेज। उसके कॉलेज में आ गया, अब उसको फोन करता हूँ। कहाँ है? बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो महारानी साहिबा कितनी देर से फ्री हुई हुई है तू? ओ गेट अटका दिया होगा इसने, मैं गेट अटका दिया, अब बाहर निकल, पहले गेट को ऊपर हल्का सा पुश करके इधर ले, अब बैठ जा अंदर। तो नितिका मेरे को आज 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, तेरे को पता है 25 लाख की लॉटरी लगी है, जो जनता जानती है, जनता तो देख चुकी है, तू भी देख ले। 25 लाख रुपीज की मेरे को लॉटरी लगी है, लगी है ना, आप सबको मैंने बताया ना अभी, अब इसको बता रहा हूँ 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, मान ही नहीं रही। इस वो जो कॉल आया है वो फ्रॉड आया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो कॉल फ्रॉड है, और 25 लाख रुपए तो क्या कोई 100 रुपए फ्री में नहीं देता यार, वो तो फिर भी 25 लाख रुपए का मानना था। मेरे को तो जलेबी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो मैं तो जलेबी लेके आ रहा हूँ। मेरे लिए भी ले आना, जो तो खाए जलेबी थोड़ी मीठी हो जाएगी, उसके साथ कोई नमकीन टाइप भी लेके आना। मैं जलेबी लेके आया हूँ, देख सकते हो आप, जलेबी एक एक नंबर, अच्छा। आधे किलो जलेबी लाया था, ठीक है ना, मैंने कभी 50-100 ग्राम खाई होगी, 400 ग्राम खा चुकी अब तक, और बोल रही हो ओला दे पाव भर, अरे कैसी है यार। इधर इधर जाना, इधर जाना, एक तो रास्ते और, अब जब मेन रोड आ जाएगी, चलो भाई रास्ते बता मुझे आगे। देख लो मम्मी घर का खाना नहीं खाती है, बाहर का खाती है, और मैं तो खा भी नहीं रहा था, मेरे को रुकवाइए कि मेरे को यहाँ पे ये जलेबी वलेबी खिलवा दे, मैंने कहा ठीक है। नितिका ये बोल रही है कि ये वाला जो पैर होता है ना, ये वाला, इस वाले से तो रेस देते हैं, बीच वाले से ब्रेक लगाते हैं, और जो इधर ही उधर होता है ना, जिसको अपन लोग रेस कहते हैं, इनसे तो इन भाई साहब का क्लच लगता है। अब बताओ गियर बदलने का क्लच बोलते हैं, हां ये उधर उधर वाला तो जो है वो, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। इसको तो बोल रही है रेस, इसको बोल रही है क्लच, और इसको बोल रही है ब्रेक, चलो ब्रेक सही है, इसने इधर का इधर इधर का इधर, अब आ गया तो मुझे, अब आ गया तो violence I don't like violence but you should like violence so I will violence him। लो घर आ गए, ये ले ले जलेबी, ले ले घर वालों के लिए, कितनी चार जलेबियां बची। और ये मेरा शेरू आ गया, शेरू इधर आ, शेरू शेरू, अरे शेरू, अरे शेरू शेरू। लेकिन ये इंसान मेरे में भी एनर्जी है, बट ये सो गया, क्योंकि बैठे बैठे मेरे को नींद आ गई, और बहुत तेज नींद आ गई थी, क्योंकि गाड़ी चला चला के थक गया था भाई ट्रैफिक के अंदर। अब मैं दुकान जा रहा हूँ, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा है। खाना जैसे हम घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास पावर है खाना डालने की, मम्मी के पास पावर होती है तो मम्मी घी डाल देती है, तो आज हम बच गए। यस बहुत तेज हो रहा है। तो अब मम्मी के उठने का टाइम हो गया है, 6 बजे मम्मी उठ जाती है, तो अब मम्मी के लिए चाय बना देती हूँ मैं।
क्योंकि मम्मी लोग का क्या होता है ना, मम्मी लोग पूरे दिन काम करती रहती है, उसके बाद वो थक जाती है, फिर अगर उनको अपन एटलीस्ट एक बेटी दे सके तो उसमें क्या धर्ज है। So now let's make Nitika special. चाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मम्मी का कप, हर मम्मी का एक कप होता है, उनको उसी में चाय पीना पसंद होता है ना, है ना, आप भी बताओ। मैंने जला दिए नितिका, तो सही से भी नहीं कर सकती कुछ। कोई बात नहीं, हमारी चुनौती से वेट, लेकिन हम हमारी चुनौती से आगे बढ़ेंगे और हम हमारी मम्मी के लिए इतनी परफेक्ट चाय बनाएंगे। तो बहुत सुगलवाड़ा के बाद लेट्स टेक द चाय। लाइट ऑफ हो जा। टाइम हो गया है 6:45 और ये बारिश आ चुकी है। मैं कुछ भी सोच लूँ, कोई भी प्लान बना लूँ, उसको कैंसिल आउट करने के लिए बारिश ज़रूर आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बारिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द व्लॉग, लाइक शेयर, सब्सक्राइब भैया।